इस दुनिया में दो टेंट सबसे जरूरी होते हैं, एक शादी का टेंट, दूसरा रियलिटी शो का कंटेस्टेंट। शादी और रियलिटी शो में एक चीज कॉमन है, दोनों में लोग रोते हैं। एक और चीज कॉमन है, दोनों में लोग जज करते हैं। मगर एक डिफरेंस भी है दोनों में। जी हाँ, शादियों में जो लोग रोते हैं उनकी विदाई होती है, और रियलिटी शो में जो रोता है उसका होता है वेलकम। सो वेलकम टू द हैप्पी आवर, जहाँ आज होंगे कई सारे ऑडिशन। किसी को नहीं पता कि वो क्या गाया गया। मैं अब झेल नहीं सकता हूँ। तू क्या करना क्या चाहता है? मेरे पास अल्फाज ही नहीं। और आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ करेंगे हम बहुत सारा फन। मुझे देखिए मैं कैसा लग रहा। बंदर। कभी अपनी वाइफ के कॉल्स इग्नोर किए हैं? चांस ही नहीं है यार। क्या चांस ही नहीं, फोन के थ्रू आ जाएगी। ढाई दिन के अंदर 12 पैक आ जाएगा तो पिक्चर कितना दिन में तुम कंप्लीट करेगा? अगर तेरे को जब तक स्क्रिप्ट याद होएगा तब। है ना, हमने सिंगिंग शो, डांसिंग शो, कुकिंग शो सब जज कर लिया। क्या लगता है तुम्हें ये मुकाम पे आके? ये मुकाम मेरे को अच्छा लगता है, पर साथ में ये मुंह जो है जो किसी काम का नहीं है वो अच्छा नहीं लगता। दिल खुश हो गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आए हो? हम कॉन्फिडेंस से आए हैं। यार आज कुछ ऐसा सुनने की इच्छा हो रही है जो मैंने आज तक नहीं सुना। अच्छा, हम जो ऑडिशन की तैयारी करके आए बस वो सुनाने दीजिए। आप सुनाइए प्लीज। टक 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 टुकड़क 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 टुकड़क। एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? अरे सर, घोड़े के पैरों में पहले नाल ठोकी फिर घोड़ा भागेगा ना। Let's roar! आप मुझे बताइए, आपके घोड़े की आवाज में अब ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आई? अरे सर, अगर घोड़ा रोड पे दौड़ेगा तो कुत्ते नहीं पीछे लगेंगे क्या? बहुत भारी बेटा, बहुत भारी। ऊंचा है तू। किसी को नहीं पता कि वो क्या गाया गया। अगले शब्द जो तुम्हारे मुंह से निकले बहुत सोच समझ कर निकलने चाहिए। मैं अब झेल नहीं सकता हूँ। तो क्या मेरा हाथ टूटा हुआ है, वरना इसी से आके मारता था। फिर इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। देखिए, सुनिए और जानिए, मैं या तो आपकी बेइज्जती कर सकती हूँ या अगला मोमेंट दिखा सकती हूँ। अब चैनल वाले मोमेंट दिखाने का पैसा दे रहे, तो आइए मोमेंट ही देख लेते हैं। आसमा मोहम्मद रफी फ्रॉम मस्कट ओमान। ये क्या है? ये साइनिंग अमाउंट है। साइनिंग अमाउंट? कितना करोड़ है इसमें? इसमें वो छोड़ो, मैंने ये पूछ किसके लिए लाया? किसके लिए लाया? उसके लिए। कौन उस? उसको अपनी फिल्म में भी हीरो बनाना है ना, तो उसी के लिए लाई हूँ। अभी मैं उधर जाता है, मैं तेरा पास आऊंगी। तेरा पास आएगा और तेर से ये करेंगे यार। अब तू साइन तो करना ही पड़ेगा यार हमको। ये आते हैं हम। अच्छा, ये भी लेके आना पड़ेगा हमको। ये सिर्फ साइनिंग अमाउंट से हमारे लिए, ये इनके लिए भी है। अभी मेन हीरोइन तो मैं हूँ ना, अगर वो आएगी लेकिन साइड रोल वाली होगी। तो वैम्प का कौन काम करेगा? तू हीरो बनना। मैं हीरो बनता? तू हीरो बनेगा? वैम्प इसको बनाते हैं ना। मेरा फिल्म में बहुत सारे हीरो थे लेकिन मैंने सब लोगों को रिजेक्ट किया। अभी तेरे को लेता बिकॉज तू हैंडसम है और माशाल्लाह क्या बॉडी है, बाप रे। आजा 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 कर। How are you, my dear? Waalaikum assalam. तो ये ले कॉल। ये ले कॉल। मैं पकड़ूंगी तो कॉल। अच्छा, मैं खोलता है तू पकड़।
बोल ले, ये क्या है? अरे बाप रे बाप, ये क्या, ये डंबल? ये इसलिए मैंने दिया है कि तुम मेरा फिल्म में काम करना चाहता है, उसमें मैं ज्यादा बॉडी चाहता है, ये कम है थोड़ा। तो ये तेरे 6 पैक है, मेरे को 12 पैक चाहिए। 12 पैक? 12 पैक का हमारा कैपेसिटी नहीं रहा आजकल। काय को? बस अभी वो 6 पैक का भी नहीं है, थोड़ा हाथ लगाओ। हाँ मोटा है। ठीक है, मोटा ही नहीं। हाँ तगड़ा है, तगड़ा तगड़ा है, तगड़ा है, तगड़ा है, तगड़ा है, तगड़ा है, तगड़ा, तगड़ा, तगड़ा। कटरीना तगड़ा है, जुगलबंदी दोनों। मोटा नहीं, तगड़ा, तगड़ा। Keep telling that to yourself. It'll actually make it true. Keep saying it over and over. 6 pack नहीं होएगा, 2 pack तो हमेशा होएगा। There you go. 2 pack नहीं, 12 हाँ के डजन के हिसाब से। तो 2.5 दिन के अंदर 12 pack आ जाएगा। तो पिक्चर कितना दिन में तुम कंप्लीट करेगा? अगर तेरे को जब तक स्क्रिप्ट याद होएगा तब। मेरे को स्क्रिप्ट याद हो गया है। पक्का? पक्का याद देख हो ले? गया। देख लिया? सोच ले? सोच लिया। चल ठीक है भी। चल अच्छा मैं जाऊं अभी? ये ले अंदर डाल। अच्छा ये ले अंदर डालो। हाँ बताओ आप बोल कि आपका अरबिक एक्सेंट है, आप हिंदी टूटा फूटा बोलता है, तेरा मेरा ये सब वैसे चलता है, तुम्हारा ये सब क्या करेंगे बोला, तुम वहाँ का पढ़ा लिखा बड़ा हुआ है तो ऐसा बोलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब तुम हिंदी गाना गाता है तुम चुनरी चुनरी बराबर गाता है? तू इतना जल्दी बोल रहे, मेरे को आधा भी समझ में नहीं आया। तुम्हारा पैदाइश इधर का नहीं है? ओमान का है। ओमान का है? लास्ट कब आया था इंडिया? मैं को आया। मैं को आया ना? तो मैं को आया, तुमको हिंदी इतना को नहीं आया, लेकिन तुम्हारा गाना जो गाता है अच्छा गाता है, फुल तलफ्फुज़ में गाता है। गाना इतना मुश्किल से याद करते हो ना, लेकिन मुश्किल नहीं मेरे को गाना है। कोई मुश्किल नहीं, किसका बाप कमजोर? हाँ किसका बाप कमजोर। हाँ अब ये भी तुमको ऐसे ही हिंदी में बात करेगा? नहीं तुम मत करो ना, मेरे को सिखा। नहीं ये भी ये बात करें, इनका हिंदी तुमको बराबर समझ आएगा। खुद नहीं आता है उसको, ज्यादा इंग्लिश आता है, और मेरे को अरबिक आता है, मेरे को क्या सिखाएगी वो। नहीं नहीं बराबर बात करता, पिक्चर में देखा उस स्क्रिप्ट पढ़ती है बेचारी। हाँ तो फिर जैसा दैट्स ट्रू दैट्स ट्रू और बोलता भी आजकल थोड़ा थोड़ा ओके थोड़ा 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 ओके थैंक यू लेसन्स ओवर बोथ ऑफ यू स्टॉप इट पांडा बाप बता हमारे शो पे इतने बड़े-बड़े टैलेंटेड लोग आ रहे हैं तेरे को बहुत बुरा लगता होगा ना तेरा कहने का मतलब क्या है मेरे अंदर टैलेंट नहीं है तेरे अंदर गैस खट्टी डकार और एसिडिटी के अलावा कुछ नहीं है हम कंटेस्टेंट से बात करते हैं मेरा नाम रोनी है बहुत गरीब हूं ना नमस्ते सर बेटा नमस्ते ऐसे नहीं दोनों हाथ जोड़ के करते हैं नहीं नहीं सर हम दोनों हाथ तभी जोड़ते हैं जब घर में खाने को बिल्कुल भी कुछ ना हो च,
अच्छा आप बताइए आप क्या करेंगे? सर मुझे डांस एक्टिंग सिंगिंग कुछ भी नहीं आता। बेटा ये टैलेंट वैलेंट छोड़ो, वो तो ऐसा भी है नहीं, तुमने रोने पे फोकस करो। लोग कहते थे कि तू इतना अच्छा रोल लेता है, किसी रियलिटी शो में क्यों नहीं चले जाता। तो मैंने नेहा लक्कड़ जी से रोने की क्लास ले ली। आई जस्ट होप कि मैं अपने गुरु का नाम रोशन करूं। मेरा नाम करे जग में मेरा राज दुला। टीआरती सोयन हमारे घर तक चल के आई है। ओहो अंडे 7-8 ग्लिसरीन की बोतल तैयार रख। हाँ जी। ताला आज ये शो रुक जाए मगर आंसू नहीं रुकने चाहिए। रोते जा रोते जा। भागों की नगरी हकीकत बनाने जो है दिल एक दिन का ये किस्सा नहीं खुद के होने की देख 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 कितना मस्त रोता है ये। हो अरे बेटा You are selected. जीतने के लिए आप सिलेक्ट हो चुके हैं। Congratulations! आप मेरे साथ गोवा आ सकते हैं। अरे नहीं नहीं मुंबई आ सकते हैं बोलते हैं। मेरा जिधर मूड होगा जाने का उधर जाऊंगी ना मैं तेरे को लेके। चल इतना सब सोचने का नहीं है, उल्टा तुलटा चलता रहता है। देख उधर देख। आज मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई है। फिर बैठी ही रहे तो बेहतर है। चतुर जी शुरू कीजिए। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। वन लाइन फ्रॉम यू नाउ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बागरूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। आप देखा कि नहीं आप? हाथ हाथ देखा, ये हाथ बहुत जरूरी था। विश्वनाथ कहते हैं बहुत जरूरी है। तुम मुझे वहां ढूंढने गए थे, मैं तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। शाम आए तो कह देना छेनू आया था। बहुत गर्मी है खून में तो बेशक आ जाए मैदान। विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीने 8 दिन और ये 16वां घंटा चालू है। हम वो पंडित हैं जो शादी भी कराते हैं और श्राद्ध भी। और उसी के साथ एक और है इनका खामोश। Are you ready? First word. Yeah, sir. ये क्या है? अरे ये तो मुझे भी नहीं मालूम क्या है यार, इसको कैसे। ये एक खाने की चीज है जो कि शायद आपके जहां अपराध हो गया। 15 सेकंड हो गए। 15 सेकंड हो गए। जवार भाटा। तो हमें क्या समझ में आएगा ज्वार। अच्छा रेडी सेकंड ओके रेडी सर। वो खेलते हैं ना हम लोग गांव में। इशारे नहीं इशारे नो इशारे नहीं नहीं इशारे नहीं। अच्छा वो सर इशारे नहीं वो मेरे जेब में। हाँ कंचे कंचे ओके। अरे नॉट बैड। वेल डन ओके सर। नंबर टू। ये आपके प्रांत में बहुत खाते हैं लोग इसे। बिहार में सत्तू ना। अरे दूसरा गुंजा ना। एक और चना। अरे नहीं और का गुड़। अरे बहुत लिट्टी चोखा। अरे लिट्टी ओके नेक्स्ट बोल दिया सर आपने। नेक्स्ट वो जाते हैं ना सुबह सुबह गांव में जब लोग लोटा ले। Okay, and the next one, sir. ये एक किरदार था हमारा जिसका बाद में आया था नाम खान। उससे पहले नाम क्या था? खामोश। नहीं नहीं
खान दोस्त जो, जो, नहीं बादशाह खान बादशाह आपका डायलॉग था सर काला पत्थर का हाँ। क्या था डायलॉग तीसरे बादशाह हम है तीसरे बादशाह हम है ऑलराइट सर नेक्स्ट वन रेडी सर अरे सर ये हमारे और आपके हमारे भी गुरु हैं हाँ और रहते हैं दक्षिण भारत में और वहाँ के बहुत ही प्रथम कलाकार हैं ये अरे वो शिवाजी गणेश नहीं 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 हमारी उम्र के हैं हमारी उम्र के हैं कमला हसन रजनीकांत ऑलराइट सर वेरी गुड वेरी गुड लास्ट वन सर लास्ट वन वेरी गुड मुझे देखिए हाँ मैं कैसा लग रहा हूँ अति सुंदर नहीं नहीं इस समय क्या लग रहा हूँ मैं आप बंदर करीब करीब पहुंचू क्या बात कर रहे हैं हम बता ही नहीं पा रहे इनको कि क्या है अरे शत्रु जी का तो फेमस प्रसिद्ध डायलॉग है अबे घोचू शत्रु जी आपका टर्न ओके रेडी लेट्स गो स्टार्ट जो आता है बहुत और समुंदर में और नदी में भी और बहुत मशहूर कछुआ अरे नहीं वेव ज्वार भाटा अरे ज्वार भाटा तो पहले हो चुका था यार ये फिटिंग है ये ओके रेडी सर ओके वो हमारा कोई नाच था हाँ खजरा रे बच गया क्या बात है यस यस ओके रेडी सर ओके ये आप इशारा करके कर सकते हैं ओ छोटी ग्रेट परफॉर्मेंस फिल्म गुड्डी नहीं सर दो सेकंड सर चीटिंग 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 अरे हाँ बट वो यार तुम गलत इशारा कर रहे हो ये आप बोल सकते थे कि आपकी फिल्म मैंने कहा हाँ. आपकी फिल्म कही थी बच्चे के बाप की फिल्म नहीं कही थी हमने ऐसा कहा यार ऑलराइट लेट्स गो रेडी 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 सर ओके किस चुम्मा 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 रेडी सर ये आखिरी वाला है सर ओके सर लेट्स गेट इट ये क्या कोई फिल्म है हाँ फिल्मों में होता है हमेशा और हमेशा एक्शन सीन में आता है साउंड बड़ा जबरदस्त रहता है और उसके विषम वाह वाह स्कोर क्या हुआ रितेश स्कोर बड़ा अच्छा रहा इनका ज्यादा होगा नहीं लेकिन उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए yes. मैंने आपको अच्छे अच्छे इशारे बताए बोथ आर विनर्स बिकॉज़ This was an extraordinary game. Yes. Thank you so much. Adab. Aisi ulji nazar unse hatti nahi. Adab. Ho gaya sabka adab. How are you? Ekdam mast. Aapka naam? Is naachis ko sab kehte hain. Gulfam wabali. करते हैं हम शायरी और खूब खाते हैं गाली बहुत इज्जत मिलती है मंच को जब ऐसा टैलेंट आता है आप ये सब शायरी वायरी पेश मत कीजिए आप गाना गाइए अरे आपको देख के दिल करता है कि कह दूं आमे तुम्हारे भालो भाषी और इनको देख के एक ही आवाज आती है मजा आ गया ऐसा लग रहा है मिष्टी धोए खा के दिन शुरू हो रहा है ये तुम्हारे छींक का चुल्लू भर छींटा मुझ पे भी उड़ गया अरे तो उस चुल्लू भर छींक में डूब जाइए ना क्या है के हमारी और मोहतरमा की कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाएगी मैं बन जाऊं तेरी क्वीन तू बन जा मेरा किंग मेरे दिल का टेलीफोन बजता है क्या बात ये तुम लोग मेरे सामने ही फ्लर्ट कर रहे हो और आप गुलफाम जी हिम्मत है तो आप मुझसे बात करें मैं तुझसे बात क्यों करूं तू मुझे पता ही
पसंद नहीं आता है। वाह वाह, थोड़ी देर चुप हो जाने में तेरा बाप का क्या जाता है? मेरे गुलफाम बेबी को, बेबी सॉरी, मेरे गुलफाम जी को अगर एक और शब्द से कुछ कहा ना तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तू मेरा पति है। वो तो तुम भूल ही चुकी हो, और वैसे भी पत्नियों के सामने कोई क्या ही बोल सकता है। सब गोविंदा जी और जैकिदा को ही देख लीजिए। हम सबको ये तीनों महारथियों से सवाल करना है। सवाल तू पढ़। बिल्कुल, मैं देती हूँ। सवाल आ चुके हैं। आप वहाँ बैठिए सर, आप बैठिए ना, आप वहाँ बैठिए। अरे आप बैठिए। पहला सवाल, कभी वाइफ के खाने की झूठी तारीफ की है? की है? जब्बू दादा ने पहले कह दिया ना। मैं खाना बनाता हूँ तो तारीफ मतलब उन्होंने तो माफी चाहता हूँ, मगर उन्होंने कभी खाना नहीं बनाया। खाना मैं बनाता हूँ। अच्छा, यहाँ तो हो गया। ओके, पहले पहले शक्ति जी आओ बताइए। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं कभी नहीं। नहीं किया ना, ना मैंने कभी। उनका खाना कैसा भी हो, अच्छा भी हो। अरे अच्छा, देखिए पकड़े गए उन्होंने कहा अच्छा भी हो। अच्छा भी हो मतलब क्या होता? हाँ वही तो। नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, मेरी बीवी कुछ चीजें बहुत अच्छी बनाती है, और कभी कभी मैं बोलता हूँ मुझे पंजाबी दिल्ली की दाल चाहिए, पंजाब की दाल चाहिए। वो ट्राई करती है, वो ट्राई करती है, बोलती कैसी बनी, मैं बोलता हूँ अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। अच्छा, तो ये तो हो गई शक्ति सर की बात। अब गोविंदा सर साहब आप बताइए। शर्मा क्यों रहे हो? आ रही है यार। शर्मा नहीं रहे, घबरा रहे मुझे लगता है। नहीं, मुझे देखते से शर्माते हैं ये। हुआ यूँ कि जिस वक्त मैंने पहली टाइम सुनीता को देखा था, जिस वक्त तो ये इतनी सी मिनी फ्रॉक पहन के आई हुई थी, साथ में हाथ में डॉगी लेके, और मैं बहुत ही देसी, मेरी ऐसी सोच ही नहीं थी कि मेरी बीवी कभी ऐसी होगी। और खाना जिस वक्त पहली टाइम पका के खाना खिलाया मुझे, तो मुझे तो रोना ही आ गया। मैं कहा यार ये बहुत अच्छी बात है कि ये खाना खिलाती है। ये बात है। ये शी वॉज नॉट दैट टाइप एट ऑल, ये ऐसी हो गई, और ऐसे साथ में मुझ जैसे आदमी जो अनपढ़ टाइप का हो मुझे संभाल लिया। सर तो आपने कभी झूठी तारीफ नहीं करी। अगला सवाल, कभी अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूले हो आप लोग? मैं तो अपना जन्मदिन भी भूल जाता हूँ। सेम ईयर, कसम से बोल रहा हूँ। गोविंदा सर आप भूले कभी एनिवर्सरी? जी जी, बहुत जूते खाए साहब। जूते नहीं मारे थे यार, झूठ मत बोल यार। कभी अपनी वाइफ के कॉल्स इग्नोर किए हैं? मिस नहीं, इग्नोर कॉल्स इग्नोर किए हैं? जग्गू दादा आप तो मतलब कमाल यार। वेरी गुड, चांस ही नहीं है बड़ो, चांस ही नहीं है यार। क्या चांस ही नहीं, फोन के थ्रू आ जाएगी। गोविंदा सर आपने किया? क्या भैया? अरे आपने मेरा कॉल इग्नोर किया है कभी? समझ में नहीं आ रहा, पूछ रही है कि डांट रही है। तो आपने किया है सर कभी कॉल इग्नोर? धप्पा धप्पा किया है। ओके, किया है। शक्ति सर आपने कभी किया है? शादी से पहले काफी लोगों के फोन इग्नोर किए, और शादी के बाद भी उनके कॉल इग्नोर करके? शादी के बाद नहीं। लेकिन क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। ए रट्टू तोते, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ तेरे को ऑडिशन देने का। अरे देंगे हम ऑडिशन ऐसा कि हमारी किस्मत ही मुड़ जाएगी। और बहुत जल्द आपकी है ना मैना बन के इस तोते का साथ उड़ जाएगी। और ये चाहिए मेरे को, ये चाहिए इस शो में। तम्मा तम्मा है। तू है मेरा महबूब और मेरा पति निकम्मा है। You are the mind, अरे गुलफाम भाई,
शादीशुदा होके मेरे बीवी से फ्लर्ट करने में शर्म नहीं आती? अरे जनाब, कोई जिम जाकर बनाता है डोले तो कोई खाता है बर्फ के गोले। ओहो, जब भी कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले। ओले, 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 ओले। क्या बात है, ब्यूटीफुल। नहीं, आप मुंबई नहीं आ सकते क्योंकि आपको एलिमिनेट किया जाता है। एक मिनट, तू कौन होता है एलिमिनेट करने वाला? मैं जज। तू इम्पोर्टेंट जज नहीं है, बाकी इम्पोर्टेंट जज से पूछते। बहुत जबरदस्त यार, बहुत अच्छा गाया, क्या जमा दिया तुमने माहौल। यू जस्ट परफेक्ट। मिथुन सर, इतना गंदा परफॉर्मेंस देने के बाद आपको लगता है कि इसका मुंबई आना बनता है? मेरी तरफ से तो बनता है। तेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है क्या? नहीं। तो तू ऐसे हंस क्यों रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। तो हंस क्यों रहा है? नहीं, मैं ये हमारे डॉक्टर अस्थाना मतलब बोमन ईरानी जी की लाफ्टर थेरेपी यूज कर रहा हूँ। एक ईरानी एक हिरानी, आई एम हाफ ईरानी, ये दोस्ती कैसे शुरू हुई? मैं जब एड फिल्म बनाया करता था तो ये बहुत सारी एड फिल्म करते थे और ये सबसे बड़े सबसे एक्सपेंसिव स्टार थे एडवर्टाइजिंग में, तो मैंने कई बार अप्रोच किया था, ये शायद इनको आज भी नहीं पता होगा, और हम इनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। मोमजी क्या ऐसे नहीं था, इट वाज नॉट अबाउट मनी, इट वाज अबाउट द डायरेक्टर। अच्छा, और आपको लगा कि अच्छे नहीं थे? मतलब उनकी एड फिल्म में देखता था, बोला यार इसकी एड फिल्म नहीं करूंगा मैं। और जब ही कुड नॉट अफोर्ड मी और मुझे एड में नहीं ले सकते थे, ही यूज्ड टू एक्ट इन हिज ओन एड्स, आई नो, एज अ मॉडल। Now you can imagine how terrible those ads were. बहुत कम लोग जानते हैं, मगर राजकुमार रानी साहब बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं थे, लेकिन एक तो ऐड में किया था इन्होंने। तो दोस्ती कैसे हुई? I think we have to thank Vidhu Vinod Chopra for that. Vinod Chopra saw my एक अंग्रेजी फिल्म की थी मैंने, डिजिटल, मतलब उस जमाने में डिजिटल मतलब हैंडीकैम वाली फिल्म थी। तो उन्होंने ये एडिट रूम में देखिए यार ये एक्टर कौन है, तो इसे पारसी बुलाओ मेरे पास, एंड ही gave me a check of 2 lakh rupees. 2 lakh rupees. मतलब कौन सी पिक्चर है? मतलब पिक्चर ही नहीं है। मतलब कौन सी पिक्चर? पिक्चर का नाम भी नहीं मालूम। पिक्चर ही नहीं है, कहानी नहीं है, लेकिन ये साइनिंग अमाउंट आपके लिए। You will be in my next film. अच्छा। हाँ। इतनी बड़ी बात। हाँ। फिर ये बात आगे कैसे बढ़ी? 6-8 महीने के बाद उनका फोन आ गया, यार आप कमाल की कहानी मिल गई कहानी, मतलब चलो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है जी। कहानी की कमाल की कहानी है, कमाल की कहानी, पिक्चर का नाम क्या है? मतलब मुन्ना भाई MBBS। मतलब मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ये क्या है मुन्ना भाई MBBS और मेरा क्या रोल है? अरे तू प्रोफेसर है, हंसते रहता है। आई थॉट इट वाज द मोस्ट रिडिकुलस साउंडिंग कॉन्सेप्ट जी। मुझे तो अच्छा, मैं बोला नहीं सर मुझे नहीं होगा, ये आपका चेक। यार तू जाके मेरे डायरेक्टर को तो मिल, ही वाज द एडिटर ऑन मिशन कश्मीर। कौन है? राजू। बोला मर गए राजू। तो राजू को जाके मिला, राजू मिला ऑफिस में, स्टिल सेम शेप विदाउट दिस, और ऐसे ऐसे करते रहते। ये कहाँ पिक्चर बनाने वाले यार, आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या। एक तो मुन्ना और आपका तो फिल्म में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। सुपर्ब, 100 पिक्चरें कर चुके थे। तो बेसिकली जब आपने इन्हें कास्ट नहीं किया, इनको आप पर थोपा गया था एक्चुअली, आपके पास चॉइस नहीं थी? नहीं, हम एक्चुअली वाकई में बहुत धक्के खा के आए थे, कई एक्टरों से मिल चुके थे जी, सबने ना कर दिया था वो रोल। और फिर जब विनोद ने मुझसे कहा कि ये एक एक्टर है, मैंने इसकी एक फिल्म देखी है, मैं बमन से मिला, फिर इन्होंने एक प्ले कर रहे थे उन दिनों, आई एम नॉट बाजीराव, आई एम नॉट बाजीराव, हाँ, तो वो मैं प्ले देखने गया, वेयर बमन वाज प्लेइंग अ 91-year-old मैन, और मैं बड़ा ध्यान से वो पूरा वो प्ले कहीं भी चल रहा था, मैं बमन को देख रहा था, वॉच करता रहता था, एंड आई लव दैट परफॉर्मेंस, कि एक फॉल्स मोमेंट नहीं था बमन का, कि वो चल रहा है एक बूढ़ा आदमी 91 का, तो कदम बिल्कुल वैसे उठ रहे नहीं है कि कहीं एक स्टेप नहीं ऐसा कि फास्ट चला गया। मैंने कहा यार ये एक्टर तो कमाल का है, बट ही इज वेरी, ही इज यंग एंड हैंडसम। सो अब उसमें बमन को रोल करना था, कॉलेज की डीन का हुआ, लाइक इन माय हेड कुछ 56-57 की उम्र होगी, उनकी एक बेटी है, अब बमन हैंडसम,
आए मुझसे मिलने, मैंने यार ये अब कैसे प्ले करेंगे, लुक का बड़ा प्रॉब्लम था, तो मुझे लगा ये कर तो सकते हैं, वी हैव टू मेक हिम ओल्ड. सो फिर हमने डिसाइड हो गया, और ना कि हमारे पास कोई बड़ी चॉइस थी कि हम. अच्छा थैंक यू. हाँ देखिए थोड़ी बहुत इंसल्ट आप भी करेंगे तो मैं भी कर रहा हूँ. तो हम करते गए, लुक ट्राई करते गए, बमन की लुक्स ट्राई करते गए, कभी बाल सफ़ेद कर रहे हैं, फिर और सफ़ेद कर रहे हैं, कभी सॉल्ट एंड पेपर कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा. फिर एक दिन बमन का फ़ोन आया कि वेर आर यू, तो आई सेड आई वाज इन सम एडिटिंग रूम. तो ही सेड मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठा हूँ, एक लुक ट्राई किया मैंने, आ जाओ. मैं कहा ठीक है. तो मैं जल्दी से पहुँचा और मैं जाने लगा तो वन ओल्ड मैन केम टू मी एंड ही सेज हेलो सर. मैंने कहा हेलो हेलो करके, मैं जल्दी में था, आई वांटेड टू सी बमन. तो मैं ऊपर चला गया, ऊपर जब पहुँचा मैं देख रहा हूँ बमन नहीं दिख रहा है. मैंने कहा है बमन, देन दे टोल्ड मी कि बमन नीचे वेट कर रहा है. फिर मेरे को स्ट्राइक किया, इज दैट द गाय. तो मैं वापस नीचे गया तो टू सी दैट बमन हैज शेव्ड ऑफ हिज हेयर कम्प्लीटली, और उसने दो ऐसे पैचेस लेके यहाँ पे लगा लिए थे. एंड ही वॉज नॉट लुकिंग द बमन आई हैड, द हैंडसम बमन आई हैड सीन अर्लियर, बट ही जस्ट लुक द रोल. मैंने कहा अब आ जाए यार, अब तो ये बन गई फिल्म, अब हो जाएगा. पांडे की आई दौड़ी है, अगली कंटेस्टेंट आ रही है. नमस्ते. नमस्ते नमस्ते. आज मैं आपके साथ को-होस्ट मिला है. आप राग छेड़िए. वाह. मैडम मैडम ये आप क्या कर रही हैं? मैं आया हूँ ना. आया तो मैं भी हूँ. तेरे आने से किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था. हो गया क्या तेरा ये रंगोली तो ना के इधर. चल इस बच्चे को इधर पटक और चुपचाप ऑडिशन दे. तो शुरू करें. अब आप क्या गाना चाहेंगी? क्लासिकल. कैसी हरकतें कर रही हैं आप? अरे सर आप ही तो कहते हैं कि संगीत में जब तक हरकत ना हो मजा नहीं आता. वाह यार वाह, क्या मस्का परफॉर्मेंस है. गधे से बेटर घोड़ा है, किसका बच्चा रो रहा है. अरे आप ले लीजिए यार आपका बच्चा. बस ऐसे हर एपिसोड में आपका बच्चा लेके आइए, ये रोते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहेंगे. बच्चे सही में भगवान का रूप होते हैं. अरे इसका रूप कहाँ गया? ओह सॉरी सॉरी, बिल्कुल जयस जैसे. श्रद्धा कपूर, अगर आप मुझे ऐसे ही देखते रहोगे तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा. ओह माय गॉड. वो तो ऑलरेडी हो गया. हेलो कैसे हो? मैं अच्छी हूँ जयस, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ. अच्छा आप मुझे बॉयफ्रेंड बनाओगे? गर्लफ्रेंड बनाओगे? हाँ. अच्छा मुझे बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? कितना सुंदर. सो प्रेटी. सो प्रेटी. सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं. ओहो अरे बाप रे. छोटे भगवान, आप जिनका डायलॉग रोज बोलते हैं वो आपके सामने है, आपको कुछ बोलना है? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? क्लोज करेंगे हम आपका स्वागत. आदित्य भैया, मैं तुम इतनी छेद करूंगा कि अब कंफ्यूज हो जाओगी कि सांस का सिनु और पद का. <Yeah! laughs>
बेस्ट डायलॉग तो सलमान भाई के लिए बोला ही नहीं, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दे तो मैं उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जड़ा के तूने मारा, घायल हो गया दिल बेचारा, सुना है तेरे जाने वाले आगे दस है पीछे ग्यारह, मुझको अपना जान बना ले, चमका दे किस्मत का तारा, एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, चमचमा चमचमा टन 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 तारा, चलती है क्या नौ से बारह, टन 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 तारा, चलती है क्या नौ से बारह, मालूम मैं क्या कह रहा था, चलती है क्या नौ से ग्यारह, नहीं ग्यारह नहीं बारह, बारह है, बारह बिल्कुल करेक्ट करवा रहा एकदम। वो क्या था कि मैं तेरा पेप्सी कोला, तू मेरी है पेप्सी कोला, मैं तेरा हूँ कोका कोला, टैव 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 टैव, उसके बाद टर्बल में पिएंगे दोनों, बर्फ में लगा हुआ मैंगोल, जल्दी करके चढ़ना जाए थर्मोमीटर का ये पारा। उसके बाद क्या है, पारा पारा पारा, उसके बाद पारा। उसके बाद क्या है, पारा। अरे पारा के बाद क्या है, सुई अटक गई, एक बार बहुत से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा, उसके बाद टन 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 तारा, चलती है कनों से बारा बारा। ये बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, होती रहती है। बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े देशों में एक छोटी छोटी बातें तो होती ही जाती है। भैया आपने तो हमें डायलॉग कंप्लीट करने, अरे अरे छोटी 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 छोटी, मैं फिर से करता हूँ, मैं फिर से करता हूँ, कोई शक आए। Welcome back to Jhol Jhol Masala presents the Quest Talent Show, sponsored by Billu Tissue Paper, Kota Ortai Khujli Lotion and Khatara Gadi. है ना, जिंदगी में पहली बार हमें जज बनने का इतना बड़ा मौका मिला है, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? अगर रास्ते पे दिखे गोबर को किसी दिन होटल या मॉल में देखे तो कैसा लगेगा? चिकना बनने का जो राज है, अंदर साफ तो बाहर साफ। ठीक, पागल हो गई है क्या? ऐसा कभी देखने को मिलता है क्या? एग्जैक्टली, तुझे दी जज बनाने का डिसीजन मुझे कुछ ऐसे लगता है। बराबर है मेरी जान, आप जो करता है सही, एकदम सेफ रहना। ये बता, अगर कोई लड़का एकदम ठासू डांस परफॉर्मेंस दे तो तू उसे कितने नंबर देगा? 10 में से 9 नंबर दूंगा। ए, तू कितने नंबर देगी? मैं तो मेरा पूरा मोबाइल नंबर दूंगी ना। अच्छा तू रहने दे आना, तुझसे जज बनना सीखने से अच्छा मैं अभिषेक बच्चन सर से सीखूं।
मुझे बस लगा अक्षय बहुत अच्छा गाया। फिर मैं वहां जाता हूँ। हाँ जरा पहले मैंने अभी गाना खत्म किया। अक्षय भाजी वो क्या है कि अच्छा था, आई जस्ट फेल्ट योर पिच अब थोड़ा कुछ ज्यादा ही ऊपर निकल गए थे, भावुक हो गए थे आप। इमोशंस को जरा कंट्रोल में रखा करिए आप। लेकिन बट वेरी गुड, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, चकते पट्टे सॉलिड। पाजी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे इस लायक समझा। पाजी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मिका जी, और आपको देख के मैंने गाना गाना शुरू किया था, और जी मैं अभी तक गा ही रहा हूँ। आप कहाँ चले गए, मैं कहाँ हूँ सर? अभी 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 पाजी का हो गया, अभी दादा पे आते हैं। हाँ गाना खत्म हुआ कि भैया गाना खत्म फिर से। हाँ फिर से वेल डन अभी क्या। एक टू मिनट, एक टू दादा 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 की लुंगी के अंदर कुछ हो गया है। I got very emotional. Very, very good. Dada, देख देख भाग क्या है? अरे नहीं! ये एक्चुअली इसलिए आए क्योंकि चश्मा रह गया था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उनको, इसलिए भागते हुए आए हैं। दो तार तालियां हो जाए।